इतने अच्छे वक्ताओं के बीच में मुझे लग रहा है कि मेरा वाक कौशल भी पीछे छूट रहा है, तो मैं ये पूरा इसको देसी लैंग्वेज में ठहरा और डायरी लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मंच से उपस्थित मंचा सिंह मंचारी हमारे माँ शारदे के आह्वान के साथ में उनका भी आह्वान करना चाहती हूँ। मैं उन्नाव जिले की धरती से इसलिए पांडे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और एक लाइन से आगाज करना चाहूंगी, जैसे कोई शेर शायरी का तरीके में नहीं है, लेकिन ये समर्पित करती हूँ इस पूरे सदन को कि बेशक बुलंदियों पे यकीन रखते हैं हम, बेशक बुलंदियों पे यकीन रखते हैं हम, लेकिन पांव हमेशा जमीन पे रखते हैं हम, लेकिन पांव हमेशा जमीन पे रखते हैं हम। आदरणीय ललिता मैम जी का ध्यान चाहूंगी, ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल हम लोगों को बहुत ज्यादा है, पता भी है। मैम के लिए, मैम जो मैम की गेस्ट फ्रेंड है, हमारे मंच के जितने लोग हैं, जल्दी समाप्त करूंगी, लेकिन पहले कुछ अतिथियों के लिए। खुशबू तो लिखी हुई थी हमारे नसीब में, खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, रुखसत हुई बहार कि आप आ गए, कि आप आ गए। थैंक यू एवरीवन। अगर हमारा वीडियो चल सके तो उसे चलाने का प्रयास करें। हमें 3 मिनट मिला है, 1 मिनट हो गया होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बहुत सारे लोगों को मिला है, मैंने उन्हीं से कुछ सीखा है और उन्हीं के पसीनों पर आगे चलते हुए यहाँ तक आई हूँ, जिसमें मेरी लाइव इंस्पिरेशन मदर भी आती है। मेरी माँ भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत हैं वर्ष 2016 में। तो आई फील रियली वेरी प्राउड कि वी आर इंडिया फर्स्ट फैमिली कि जिसमें मम्मा और बेटी दोनों को ये प्राइज मिला है। लेकिन ये शिक्षा विभाग का सम्मान है, इसलिए हम लोगों को अपने शिक्षिका होने पर गर्व है। बहुत सारे लोगों ने डाउन ट्रोडिंग कंडीशन पे बात करी, ICT पे बात की, और मुझे लगता है मेरे हर उस पहलू पे बात कर ली जो मुझे यहाँ रिपीट नहीं करना चाहिए था। परस्पिकेशियस में से एक वर्ड होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं उस पर आती हूँ। तो अपने अब इस वर्ष के कुछ नवाचार आप तक साझा करूँगी। पहला तो मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काफ़ी काम कर रही हूँ। That is a taboo inside downtrodden area, you know, underprivileged area. तो हमें लगता है कि हमारी जो किशोरावस्था की adolescent girls हैं, they are less updated about the menstrual hygiene and sanitary pads. मुझे लगता है कि education की तरफ ये एक collateral approach है मेरी। Classroom के अंदर जो मैंने किया उसके आधार पर मैं शीर्ष पर पहुँची। जब मैं मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर बनी पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में, जब मेरे बैनर और पोस्टर दिखे जाने लगे, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि आई शुड डू समथिंग बियॉन्ड क्लासरूम प्रैक्टिसेस एंड आई शुड कनेक्ट द सोसाइटी विद स्कूल। तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन है। दूसरा मैंने शुरू किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि हम लोग किसान वर्ग के बच्चों को रहे हैं, उनमें मैंने महिला अभिभावकों को जोड़ने का प्रयास किया है। तो इसे भी आप मिशन शक्ति का एक मेरा कोलैटरल वर्क समझ सकते हैं। ये दो नवाचार वो हैं जो मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड के बाद मैंने शुरू किए। बिगिनिंग में आई वॉज गिफ्टिंग अ साइकिल एट द एंड ऑफ द ईयर, अपनी सैलरी से मैं एक बाइसिकल देती थी बच्ची को जो सबसे दूरस्थ क्षेत्र से आती थी। तो ये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने का मेरा नवाचार था। चीज़ें कई हैं, ये वीडियो हम 1 मिनट के अंदर देखते हैं। प्लीज प्ले दिस वीडियो। प्लीज विद्यालय की प्रधान शिक्षिका स्नेही पांडे, इनके नवीन प्रयासों की बदौलत उन्नाव में सबसे ज्यादा बालक बालिकाओं का नामांकन इसी विद्यालय में है। स्नेही पांडे जी ने बच्चों की बेहतरीन शिक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने और बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाए। विद्यालय में ICT की मदद लेते हुए योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियाँ स्नेहित पांडे जी के रचनात्मक प्रयासों में शामिल है। स्नेहित पांडे जी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाता है। एवरीवन, एडू लीडर्स का एक बार पुनः आभार जताना चाहूंगी। श्री सर्वेश मिश्रा जी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पर आई और आप लोगों के समक्ष अपने को खड़ा कर पा रही हूँ।
लर्निंग कभी नहीं छूटनी चाहिए। दीक्षा पोर्टल पे आपने हमारा एक छोटा सा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 3M और 3L पर फोकस किया था। तो बस वो गुरु मंत्र है कि अपने स्टाफ को प्रशंसा दें, मेंटरिंग करें, मॉनिटर करें और मोटिवेट करें। 3L से तात्पर्य है लव करें, स्प्रेड लव, प्यार करें अपने स्टाफ को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही है जो आपके साथ हैंड इन हैंड टुगेदर है। लीड करें, बहुत ज्यादा लीड करेंगे तभी आपके साथ एक कारवा बनेगा। एंड थर्ड है लर्न, लर्निंग विल नेवर एंड थ्रू आउट द लाइफ। तो आपके अंदर एक हमेशा वो एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि यस आई कैन लर्न दैट थिंग। तो बस इन्हीं पर फोकस कर रही हूँ, जो करती हूँ वही कहती हूँ, जो कहती हूँ वही करती हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे प्राथमिक विद्यालय सोरानू में। आप लोग आएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। कार्य तो बहुत है बट यहाँ समय कम है। सभी का बहुत आभार मुझे सुनने के लिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। और लास्ट मेरा जो मंत्र है वो ये कि किसी से चिड़िए नहीं, पारस्परिक सौहार्द बनाकर रखिए। आप बहुत आगे रेज करेंगे। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। एवरीवन।